वेलकम टू वरुण मैथ्स क्लास मैं अपने इस चैनल पर बीटेक बीएससी बी फार्मेसी नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं आज बीएससी और बीटेक के लिए डी अलम्बर रेशियो टेस्ट को ही कंटिन्यू करेंगे इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें डी अलम्बर रेशियो टेस्ट क्या होता है उसका वर्किंग मैथड क्या होता है क्या प्रोसीजर है इसका कन, किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता करने के लिए तो आप इससे पहले वाले, वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे यहां का एक क्वेश्चन है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स टू दावर फोर एंड सो वन ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इसको अपने को पता करना है तो सबसे पहले डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं एनएथ टर्म पता करते हैं इसका एनेट टर्म क्या होगा सॉल्यूशन हियर यू एन इज देखिए पहला ये क्या है कोफ़िशंट क्या वन है कुछ नहीं मतलब वन है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है तो एन एड टर्म में क्या हो जाएगा एन हो जाएगा है ना वन टू थ्री फोर फाइव या टी एन इक्व टू तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अलेवेंथ में जो फॉर्मूला पढ़े उससे निकाल सकते हैं यहाँ देखिए x का पावर वन है x का पावर टू है का पावर थ्री x का पावर फोर है तो यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर n ये आपका एन टर्म निकल गया तो आप यू प्लस एनए टर्म निकालेंगे सो यू प्लस वन टर्म इज एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन प्लस वन ये मिलेगा ठीक है अब क्या करते हैं लिमिट एन टेंस टू तो इंफिनेटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन ये कैलकुलेट करते हैं ये क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस वन की जगह क्या है एन प्लस वन और ये है एक्स टू दावर एन प्लस वन और यू एन की जगह कितना है एन एक्स टू द पावर एन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव यहाँ से अपन एन को कॉमन लेंगे तो यहाँ वन प्लस वन बाई एन बचेगा और नीचे में ये एन है और इंडिसेस रूल से ये जो है एक्स में एन माइनस हो जाएगा तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस एन आ जाएगा और यहाँ एन बचा रहेगा ये एन और ये एन कैंसल ये एन ये कैंसल पुट एन इक्वल्स टू इन्फिनेटिव एन की जगह में आप इन्फिनेटिव पुट कीजिए तो ये मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की जो वैल्यू मिली ये एन बराबर इन्फिनेटिव रखेंगे तो वन अपॉन इन्फिनेटिव की वैल्यू जीरो हो जाएगी जीरो प्लस वन वन हो जाएगा वन इन टू एक्स केवल आपको x मिलेगा ये x वेरिएबल है ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा जब x की वैल्यू लेस देन वन रहेगी तब कन्वर्जेंट होगी जब x की वैल्यू वन से ज़्यादा होगी तो डाइवर्जेंट होगी जब x बराबर वन होगा तो कंडीशन फेल हो जाएगा देखिए यहाँ यह x वेरिएबल है इसलिए बाई डी अलम्बर्ट अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट सीरीज यू एन इज़ कन्वर्जेंट ये कन्वर्जेंट होगा इफ एक्स इज लेस देन वन पहला दूसरा सीरीज यू एन इज़ डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट होगी यदि x की वैल्यू वन से ग्रेटर होगी तो है ना यह वेरिएबल है अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है वन से ग्रेटर भी, भी, भी हो सकता है वन से स्मॉलर भी हो सकता है वन भी हो सकता है यदि इसकी वैल्यू वन से कम आएगी तो यह कन्वर्जेंट होगा इसकी वैल्यू वन से ज्यादा होगी तो डाइवर्जेंट होगा और यदि समेसन यू इफ एक्स इज इक्व टू वन देन टेस्ट फेल ये टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा x इक्वस टू वन के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा ठीक है तो फिर उसके लिए x इक्वस टू वन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दूसरे मेथड से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकालना पड़ेगा देखिए कैसे निकालते हैं अपने पास यू एन इक्वस टू एन एक्स टू द पावर एन है ये एक्स इक्व टू वन पे ये फेल हो जा रहा है तो क्या करेंगे यू एन टर्म्स निकालेंगे पुट एक्स इक्व टू वन तो यू एन अपने पास क्या मिल जाएगा एन मिल जाएगा यदि एक्स की वैल्यू आप वन रखेंगे वन टू द पावर एन इक्वस टू वन ही होगा तो यू एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी एन इसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये क्या हो जाएगा मैं फर्स्ट वीडियो में सीक्वेंस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में कब जो टर्म्स होता है कन्वर्जेंट होता है कब डाइवर्जेंट होता है कब ऑक्सीट्री होती है वो पूरा डिटेल्स मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ आप उसको एक बार देख लेंगे ये डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इसके लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनीटिव यू एन निकालते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनी यू एन की जगह में क्या है एन तो यदि एन बराबर इन्फिटिव रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी तो यू एन बराबर क्या होगी इनफिनिटी हो जाएगा जब इसकी वैल्यू जो एन एट टर्म इनफिनिटी को अटेंड करेगी तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा ये एक्स बराबर वन पे डाइवर्जेंट है सो सो सीरीज सो सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट कब कन्वर्जेंट है ये इफ एक्स इज लेस देन वन एंड डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन यहाँ भी डाइवर्जेंट है यहाँ भी डाइवर्जेंट है तो एक्स की वैल्यू वन या वन से अधिक पर ये क्या है डाइवर्जेंट है ठीक है तो ये सीरीज जो है x इज लेस देन वन पे कन्वर्जेंट होगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन पे ये क्या होगा डाइवर्जेंट होगा तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है आपको डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का जो भी वर्किंग मेथड है जो भी रूल है उसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे कि कन्वर्जेंट कोई सा भी सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट कब होता है डाइवर्जेंट कब होता है, है ना सबसे पहले क्या करते हैं सीरीज़ का एनएट टर्म निकालते हैं फिर क्या करते हैं एन में एन प्लस वन एड कर देते हैं तो यू एन प्लस वन आ जाता है फिर उसमें रेशियो निकालते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनी यू एन अपॉन यू यू एन यू एन प्लस वन अपॉन यू एन करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यदि उसकी वैल्यू जो है वन से लेस आएगी तो कन्वर्जेंट होगा और वन से ज़्यादा आएगी तो डाइवर्जेंट होगा यदि उसकी वैल्यू वन आ जाएगी तो वहाँ पास टेस्ट फेल हो जाता है जब टेस्ट फेल हो जाता है तो अपन क्या करते हैं उसकी वैल्यू एक्स की जगह में वन रख करके उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं ठीक है इसके लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट यदि नहीं निकालता हो तो वहाँ पास कंपेरिजन टेस्ट वगैरह लगा करके अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा यदि समझ में आ गया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच